नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आप सीधे आपको ले चलते हैं लाइव नागपुर, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत विजयदशमी में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आस अपनी विषैली हो जाएगी और इसलिए हमारे यहां पानी का उपयोग ठीक से करना, नाप तोल कर करना। पानी सबके लिए आवश्यक है, लेकिन अगर हम पानी को अमर्यादित खर्चा करने लगे तो सबको पानी नहीं मिलेगा और सब सुखी होंगे तभी हम सुखी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए, कम से कम जिसको अंग्रेजी में सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं उसको तो आप जीवन से हटाने की बारी आ जाएगी। और जहां बनता है, घर से लेकर आंगन से लेकर मोहल्ले, गांव, जंगलों, खेतों तक हरियाली बढ़ाना, वृक्षारोपण करना, ये करने की आवश्यकता है। उसके लिए पर्यावरण गतिविधि चलाते हैं स्वयंसेवक, पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत लोग काम करते हैं, जल संधारण से लेकर सारी बातों में पर्यावरण गतिविधि। प्रत्येक परिवार में पानी बचाना, प्लास्टिक हटाना और हरियाली बढ़ाना, इन तीन का छोटी छोटी बातों से लेकर सब में आचरण उत्पन्न हो, इसके लिए प्रयास कर। क्योंकि ये ऐसी जो पर्यावरण की शैली है वो स्वास्थ्य को भी ठीक करती है और खर्चा भी बचाती है। कोरोना काल में जितने विवाह हुए, कितने सस्ते में हुए, हमारे ध्यान में कई बातें आ गई कि हम जो खर्चा करते हैं वो कितना खर्चा फालतू होता है, इससे कम में हम जी सकते हैं। जो मिलता है उसमें अपने घर गृहस्थी को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, अतिथि सत्कार, ऐसी न्यूनतम आवश्यकताओं को ठीक से पूर्ण कर सकते हैं। अब कोरोना जाएगा, जाने को है, अपनी सुधरी हुई आदत को फिर से नहीं बिगाड़ना, इसका हमको ध्यान देना पड़ेगा। और इसलिए पर्यावरण के साथ स्वास्थ्य को साधते हुए हमको यह भी प्रयास करना पड़ेगा कि सब प्रकार की पैथियों को मान्यता देते हुए, अपने अपने पैथी का अहंकार, अभिमान तो रहना चाहिए, गौरव तो रहना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। कुछ बीमारियों को कुछ पैथी में इलाज है, किसी में नहीं है। हर एक चिकित्सा पद्धति का अपना अपना तत्वज्ञान है, मतभेद हो सकते हैं लेकिन विरोध नहीं होना चाहिए। सभी चिकित्सा पद्धतियों का समन्वय करते हुए सबको सुलभ हो सके ऐसी चिकित्सा हम दे सकते, क्योंकि कुछ पद्धतियों में इलाज महंगे हो जाते, उसका इलाज नहीं होता। कुछ पद्धतियों में वही इलाज बहुत सस्ता हो जाता उसी बीमारी का और गुण भी मिलता। तो इसलिए सभी पद्धतियों का समन्वय करते हुए कैसे आगे बढ़ेंगे और सबको एकदम बहुत गंभीर चिकित्साओं का सामना नहीं करना पड़ता। छोटी मोटी रोज की बीमारियां होती है तो प्राथमिक चिकित्सा अपने गांव में ही उपलब्ध रहे, उसमें डॉक्टर वैद्य भी हो और अंग्रेजी में कहते बेयरफुट डॉक्टर्स, आरोग्य रक्षक, ऐसी भी कोई व्यवस्था बने। थोड़ी अधिक चिकित्सा करनी है तो जिला केंद्र पर सबके लिए उपलब्ध रहे और बहुत उच्च स्तरीय, बहुत गंभीर चिकित्सा अगर आवश्यक है तो एक एक विभाग केंद्र पर, कमिश्नरी के केंद्र पर या बड़े कस्बों में उसकी व्यवस्था उपलब्ध रहे, इस प्रकार का एक तंत्र खड़ा करना पड़ेगा। ऐसा समग्र स्व के आधार पर सोचते हैं तो सबको सुलभ और सस्ती चिकित्सा का प्रबंध अपने देश में हो सकता है। वही बात आर्थिक मामलों की है। हम जानते हैं विश्व में जो प्रचलित अर्थव्यवस्था है उसके कारण कई समस्याएं भी खड़ी है और समस्याओं का उत्तर उस व्यवस्था के पास नहीं। सभी देशों में उसका पुनर्विचार चल रहा है। बहुत उत्साह से जिन बातों की उद्घोषणा आर्थिक जगत पहले करता था, आज उसने वो करना बंद कर दिया है, अंतर्मुख होकर विचार कर रहा है तीसरा रास्ता कौन सा है। तीसरा रास्ता हम दे सकते हैं, हमारे परंपरागत आर्थिक चिंतन की जो दृष्टि है वो पूर्ण है, अधूरी नहीं है।
हमने उस स्व के आधार पर ये चिंतन किया है, एक शाश्वत सत्य हम पहले बताते हैं कि भाई अर्थशास्त्र क्यों है, मनुष्य की कामना पूर्ति के लिए साधन उपलब्ध कराने का शास्त्र, ऐसा वो मानते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा आगे गए, हमने कहा कि सुख प्राप्ति का वो है, और एक की एक का सुख हो नहीं सकता, सबका सुख चाहिए, इसलिए जितनी प्रजा है उसके सुख का वो शास्त्र है। जिन्होंने जन्म लिया है वो सब सुख को प्राप्त हो तो सभी सुखी होंगे। और ये सुख कहाँ मिलता है? सुख बाहर नहीं है, सुख अंदर है, और इसलिए अंदर के सुख को प्राप्त करेंगे तो बाहर की वस्तुओं से हम पर्याप्त सुख ले सकते हैं, अपने अंदर ही है वो, लेकिन उसके लिए बाहर की वस्तुएं पर्याप्त हो सकती है, नहीं तो सिद्धांत तो प्रचलित सिद्धांत कहता है मीन्स आर लिमिटेड एंड्स आर एंडलेस। हमारे यहां इस सत्य को मान्य करके कहा है कि ऐसी अवस्था में अगर उपभोग करना है तो संयम आवश्यक है, क्योंकि सुख उसमें नहीं है वस्तु में, सुख हमारे अंदर है, तो बांटकर खाओ, उस सुख के पीछे बहते मत जाओ, सुख पर तुम्हारा नियंत्रण चाहिए। और इसलिए संयम पूर्ण उपभोग, न्यूनतम आवश्यक जितना है उतना उपभोग, क्योंकि यह सब हमारा नहीं, मेरी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, इस पर मालकियत किसकी है? किसी की नहीं, ईशावास्यमिदं सर्वम् भगवान का बनाया है, भगवान का है, उसने उसका यथोचित उपयोग जिसके लिए रखा है वो लेगा, सबका होने के बाद बचेगा उसमें मैं अपने को चलाऊंगा। तेन त्यक्तेन भुंजित, मनुष्य प्राकृतिक और मानव निर्मित धन का स्वामी नहीं है, विश्वस्त है, उसको दो हाथों से कमाना है लेकिन उसके आधार पर सारी सृष्टि को चलाना है, हजार हाथों से बांटना है। इस दृष्टि के आधार पर अपने यहां का आर्थिक विचार खड़ा है, वो एकांतिक नहीं है, उसमें मनुष्य को सृष्टि के अंग के नाते देखा गया है, सृष्टि का मालिक नहीं, कॉन्करर नहीं, कॉन्करिंग द नेचर गलत बात है, नर्चरिंग द नेचर, सृष्टि से जितना चाहिए उतना लेना और दाम दुगना वापस करना, गिविंग बैक, इस आधार पर हमारा अर्थ विचार खड़ा है, और इसलिए वो एकांगी नहीं है, वो सब जगह परिवार की कल्पना करता है, कृषि श्रेष्ठ है कि उद्योग श्रेष्ठ है कि व्यापार श्रेष्ठ है, अरे भाई तीनों अपने अपने जगह श्रेष्ठ है, तीनों को मिलकर चलना चाहिए, उद्योग चलेगा मालिक के लिए चलेगा कि मजदूर के लिए, अरे भाई मालिक मजदूर बीच में जो व्यापारी है वो और ग्राहक, सबको एक परिवार मानकर सबके हित का विचार करके चलेगा, सबको अपना अपना कर्तव्य पूरा करते हुए संयम से बरतना पड़ेगा, तब सबकी कामना पूर्ण होगी। इस प्रकार के आर्थिक विचार के आधार पर आज के देशकाल परिस्थिति में क्या सुसंगत हो सकता है? हमारा प्रदीर्घ जीवन रहा है, उस प्रदीर्घ जीवन में हमने भी पुरुषार्थ किया है, और ईसवी सन एक से लेकर तो 17वीं सदी तक हम दुनिया के सर्वसमर्थ आर्थिक देश थे, विलियम डैलरिम्पल वगैरह डाटा दे रहा है। ये अगर वस्तु स्थिति है तो हमारे इतने लंबे आर्थिक अनुभव से हमने जो शाश्वत तत्व निकाले है उसके आधार पर हमको चलना पड़ेगा, जमाना बदला है, ऊपर ऊपर का परिवर्तन उतना जरूर करना पड़ेगा। विश्व भी अब 2-4 हजार साल चला है अर्थ पुरुषार्थ में, उसका भी कुछ अनुभव है, वहां से भी जो उपयुक्त है वो लेना पड़ेगा। स्वदेशी को काल सुसंगत बनाना और विदेशी को देश सुसंगत बनाना, इसके आधार पर अपने स्व पर आधारित एक नया आर्थिक प्रतिमान संपूर्ण दुनिया को देना, ये दुनिया की अभी आवश्यकता है, और हम स्वातंत्र में हमारे स्व के प्रगतिकरण का एक स्वाभाविक आविष्कार है, इसकी चिंता हमको करनी पड़ेगी। और ये बात जब सोचते हैं तो एक सब लोग आजकल कहते हैं, पहले इतना नहीं कहते थे, आजकल कहते हैं, वो कहते हैं ये जनसंख्या क्या क्या करेंगे, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही,
तो जनसंख्या नीति तो होनी चाहिए। अपने यहां विचार हुआ है एक परिवार में 2.1 ऐसा कहा है ना, दो बालक रहे ऐसा विद्वानों ने मिलकर निश्चित किया, सरकार ने उसको स्वीकार किया, ये सब हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि दो बातें, सारी बातों का विचार करना। अभी हमारे देश में, हमारा युवाओं का देश है, 57% युवा है, 30 साल के बाद ये सब बूढ़े बनेंगे, उनको खिलाने के लिए भी हाथ लगेंगे। कितने हाथ लगेंगे, कितने लोगों को खिला सकेंगे, और उस समय जितने लोगों को खिलाना है उसके लिए काम करने वाले कितने लगेंगे, दोनों बातों का विचार करना पड़ेगा। इतना हम बढ़ेंगे तो पर्यावरण कितना झेल सकता है, हमारी माताएं उस दृष्टि से कितनी सक्षम है, उनको खुद के पैरों पर खड़ा रखने का सामर्थ्य, उनका सशक्तिकरण कितना हुआ है, वो कितनी प्रबुद्ध है, हम उनको कैसा ऐसा बना सकते। एक 50 साल आगे तक का विचार करके एक नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए, क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है, बन रही है देश में, दुनिया में, हम देख रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, इसमें किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रहता है। अरे इसलिए हमने एक 2015 में ही प्रस्ताव पास किया इसके बारे में, उस प्रस्ताव को मैं पढ़ के बताता हूं। जनसंख्या वृद्धि दर में असंतुलन की चुनौती, देश में जनसंख्या नियंत्रण हेतु किए गए विविध उपायों से पिछले दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में पर्याप्त कमी आई है, लेकिन इस संबंध में अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल का मानना है कि 2011 की जनगणना के पांथिक आधार पर किए गए विश्लेषण से विविध संप्रदायों की जनसंख्या के अनुपात में जो परिवर्तन सामने आया है उसे देखते हुए जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। विविध संप्रदायों के प्रति जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर, अनवरत विदेशी घुसपैठ व मतांतरण के कारण देश की समग्र जनसंख्या विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ रहा असंतुलन देश की एकता, अखंडता, सांस्कृतिक पहचान के लिए गंभीर संकट का कारण बन सकता है। विश्व में भारत उन अग्रणी देशों में था जिसने 1952 से ही जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की घोषणा की थी, परंतु सन 2000 में जाकर ही वह एक समग्र जनसंख्या नीति का निर्माण और जनसंख्या आयोग का गठन कर सका। इस नीति का उद्देश्य सकल प्रजनन दर की आदर्श स्थिति को 2045 तक प्राप्त कर स्थिर व स्वस्थ जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना था। ऐसी अपेक्षा थी कि अपने राष्ट्रीय संसाधनों और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रजनन दर का यह लक्ष्य समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होगा, परंतु 2005-06 का राष्ट्रीय प्रजनन एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन 2011 की गणना के 0 से 6 आयु वर्ग के पांथिक आधार पर प्राप्त आंकड़ों से असमान सकल प्रजनन दर एवं बाल जनसंख्या अनुपात का संकेत मिलता है। यह हमारा प्रस्ताव है, तो इसलिए सुझाव हमारे ऐसे और भी लिखा है, पूरा नहीं पढ़ता हूं, लिखित भाषण में उपलब्ध है। देश में उपलब्ध संसाधनों, भविष्य की आवश्यकताओं एवं जनसांख्यिकीय असंतुलन की समस्या को ध्यान में रखते हुए देश की जनसंख्या नीति का पुनर्निर्धारण कर उसे सब पर समान रूप से लागू किया जाए। सीमा पार से हो गई अवैध घुसपैठ पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जाए। राष्ट्रीय नागरिक पत्रिका का निर्माण कर इन घुसपैठियों को नागरिकता के अधिकारों से तथा भूमि खरीद के अधिकार से वंचित किया जाए। जो अनधिकृत प्रवेशकारी लोग है वो हमारे देश में बसने वाले, सदियों से बसने वाले, पीढ़ी दर पीढ़ी बसने वाले नागरिक बने हुए, किसी के प्रति ये बात नहीं है। और देशवासियों का यह आह्वान है कि जनसंख्या में असंतुलन उत्पन्न कर रहे सभी कारणों की पहचान करते हुए जन जागरण द्वारा देश को जनसांख्यिकीय असंतुलन से बचाने की सभी विधि सम्मत प्रयास करें। कैरो में एक परिषद हुई थी राष्ट्रों की, उसमें सबके साथ अपने देश का जो अधिकृत संकल्प है
डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, उस संकल्प के बाहर इसमें कुछ भी नहीं है, सब उसके मर्यादा के अंदर है। क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है, अभी जैसे एक अचानक आ गया, वायव्य सीमा के पार तालिबान खड़ा हो गया। अब तालिबान का पूर्व चरित्र क्या है हम सब जानते हैं, और उसकी जो बातें हो रही है वो दो प्रकार की हो रही है, कभी कहता है कि अच्छे रहेंगे, कभी कहता है कि नहीं हम वही है पहले से। तो इसका एक स्पष्ट संकेत है कि हमसे सावधान रहना चाहिए। और तो और उस समय उसका समर्थन करने वाले जब खड़ा हुआ था, रशिया भी था, तुर्कस्तान भी था, चीन और पाकिस्तान तो आज भी है। अब तालिबान बदला भी होगा, पाकिस्तान बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। चीन का इरादा भारत के बारे में बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और इसलिए ये मानते हुए भी हृदय परिवर्तन हो सकता है, बुरा से बुरा आदमी भी बदल सकता है, बातचीत से, संवाद से बातें हल होती है, प्रेम से, अहिंसा से मामला ठीक हो सकता है, इसको मानना चाहिए, इसके प्रयास भी जारी रखने चाहिए, लेकिन अपनी सावधानी, अपनी तैयारी को पूर्ण रखते हुए हमको सजग भी रहना चाहिए। हमारी सीमा सुरक्षा और अधिक चाक चौबंद होने की आवश्यकता है। जहां बार बार आक्रमण होते वहां तो ठीक ही है, लेकिन जहां नहीं होते, नहीं होते ऐसा हम कहते हैं लेकिन चोरी छुपे होते रहते हैं, सागरी सीमा है। हमारे सागरी प्रदेश में जो टापू है, देश के अंदर की बातें हैं, इन सबको बहुत अच्छा करना चाहिए। इंटरनेट के उपयोग के कारण अब साइबर सिक्योरिटी का भी प्रश्न खड़ा हो गया है, उसके मामले में हमको बहुत आगे जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। और ऐसी बातों का परिणाम अंदर उपद्रवी लोगों के मनोबल पर न हो, हुआ तो भी वो